गाइस एंड वेलकम बैक टू 91 व्हील्स, एक और एक्सक्लूसिव कंपैरिजन वीडियो फॉर यू गाइस। नाउ टोयोटा हाइलक्स वर्सेस इसुजु वी क्रॉस, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है जिसके लिए काफी लोग वेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग अस एट 91 व्हील्स, इवन द वंस वॉचिंग द वीडियो। आई एम श्योर आप लोग इन दोनों गाड़ियों का एक एक्चुअल फिजिकल कंपैरिजन, नॉट जस्ट फोटोग्राफ्स के लिए वेट कर रहे थे। एंड हमारे पास दोनों गाड़ियां हैं इस टाइम पे। दिस इज द न्यू हाइलक्स एंड अ बिग थैंक्स टू बिम्ब्रा 4x4 फॉर गिविंग अस देयर ब्रांड न्यू हाइलक्स। दिस इज द टॉप एंड ऑटोमेटिक 4x4, सो दिस इज विद अस फॉर द एंटायर डे। एंड ऑफ कोर्स वी क्रॉस फ्रॉम इसुजु इंडिया। सो दोनों ही गाड़ियां, दोनों ही पिकअप ट्रक्स, दोनों ही लाइफस्टाइल व्हीकल्स हमारे पास इस टाइम पे हैं। दिस कंपैरिजन, डिटेल कंपैरिजन विल फोकस ऑन अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। दिस इंक्लूड्स द डिज़ाइन, इन दोनों का फुटप्रिंट कितना बड़ा है, इनका डिज़ाइन एंगल कैसा है, कौन सी ज़्यादा बोल्ड मस्कुलर या अग्रेसिव या सेक्सी है, इंटीरियर्स कैसे हैं, स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू, ड्राइवर्स परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रंट सीट्स एंड द रियर सीट्स, दोनों की जो इंजन परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है, और ऑफकोर्स प्राइसिंग कैसी है। अनफॉर्चुनेटली द वी क्रॉस इज नॉट 4x4, यहाँ पे दिस इज द 4x2 ऑटोमेटिक, ये 4x4 ऑटोमेटिक है, तो हमारा कोई ऑफ रोड टेस्ट नहीं होगा, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन सिटी रोड्स, हाईवे रन्स एंड द ओकेजनल ट्रेल, माइल्ड एडवेंचर हम जरूर करेंगे। एंड इसका मैंने 4x4 काफ़ी चलाया, तो मेरे पास इसकी अच्छी मेमोरीज हैं, इसको भी हम रहेंगे लेके जाएंगे रोड के रोड से हटके इनटू द अननोन एरिया। सो डिटेल कंपैरिजन, बहुत सारे पैरामीटर्स, तो अगर आप इस मार्केट में हैं फॉर अ लाइफस्टाइल पिकअप व्हीकल, लाइफस्टाइल कार, या अगर आपके मन में सवाल था कि दोनों में से कौन सी बेहतर है, या इफ दिस इज वर्थ द एक्स्ट्रा मनी, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स राइट ओवर हियर। नाउ SUVs का क्रेज़ इंडिया में आया था बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द व्हीकल, जो कहीं ना कहीं अपनी ओनर्स की ईगो को मसाज करता है। एंड द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर पिकअप व्हीकल्स, पिकअप ट्रक्स, दोनों ही गाड़ियां रोड पे दे आर रियली इंटिमिडेटिंग, दे कैन स्केयर अवे स्मॉलर कार्स, दे लुक ह्यूज, इनका फुटप्रिंट मैसिव है, लार्ज है, बट कंपेरिजन करूँ तो जो हाइलक्स है दैट्स अस अ बिट लॉन्गर एज कम्पेयर टू द वी क्रॉस। द वी क्रॉस हिट्स बैक बाई बींग स्लाइटली मोर वाइडर एंड जस्ट स्लाइटली टॉलर, बट आई थिंक बिकॉज के रूफ रेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं रूफ रेल्स की वजह से इसमें ऑन पेपर डायमेंशन में ये स्लाइटली ऊंची है। व्हील बेस इसका स्लाइटली लंबा है एंड दोनों गाड़ियों में आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स। आई पर्सनली लव द वे द अलॉय व्हील्स ऑफ द वी क्रॉस लुक लाइक, स्पोर्टी है, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। दिस ऑन द अदर हैंड इज लाइक अ प्रॉपर एडवेंचर रॉ व्हीकल, उसका जो डिज़ाइन है अलॉय व्हील्स का उस तरह है। टायर साइज 18 इंच का है, बट जो विड्थ है वो इस टायर की स्लाइटली ऑन द बेटर साइड है। दोनों ही ब्रिस्टोन के टायर यूज़ करते हैं, दी आर ST टायर्स, हाईवे टेरेन। अगर आपको गाड़ी से यू वांट टू हैव एडवेंचर एंड ट्रेल्स, देन ऑब्वियसली ST को निकाल के आप AT यानी कि ऑल ट्रेन टायर्स को लेके आना। सो ऑन पेपर ऑलमोस्ट गाड़ियाँ सिमिलर हैं, बट ऑन द फेस ऑफ इस, व्हेन यू लुक एट दिस कार इन मोशन और दिस कार इन द रियर मिरर ऑफ योर व्हीकल, डेफिनेटली दिस फ्रंट एंड इज मैसिव। कहीं ना कहीं लैंड क्रूजर एंड फॉर्चूनर से ये इंस्पायर्ड है। द DRS लुक नाइट, द LED लाइट्स लुक वेरी नाइस, सो मस्कुलर अपील जरूर है। इट्स लाइक समवन हु वेंट टू द जिम, केम बैक वेरी वेरी फिट इन अ अग्रेसिव मैनर एज वेल। अग्रेसिव तो ये गाड़ी भी है, जब इसका एक अपडेट हुआ था इंडिया के अंदर, यू कैन लुक हाउ द हेडलैम्प्स दे गो इन टू द ग्रिल, ये अग्रेसिव स्टांस इसका स्लाइटली बेटर है। आई थिंक इन द एंड इट विल बी डाउन टू द पर्सनल प्रेफरेंस। आई थिंक ये कलर इसका स्ट्राइकिंग है, तो मुझे ये गाड़ी कहीं ना कहीं इस टाइम पे एज कम्पेयर टू द हाइलक्स बेटर लग रही इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, बट जो मेरे टीम मेट्स हैं जूलियन बिहाइंड द कैमरा एंड वहाँ जतिन चप्रांशु हैं, उनको कहीं ना कहीं हाइलक्स की डिज़ाइन अच्छी लग रही है। सो आई थिंक इट्स अ क्लोज कॉल फॉर द डिज़ाइन ऑफ द व्हीकल्स। साइड प्रोफाइल भी सिमिलर है, अलॉय व्हील का डिज़ाइन इसका बेटर है। इफ़ यू गो टू द रियर ऑफ द व्हीकल्स, देयर इज़ अ सिमिलर स्टोरी, इट्स अ वेरी वेरी क्लोज पैक बिटवीन बोथ द व्हीकल्स। इसका जो लाइट्स एट द बैक हैं ऑफ द हाइलक्स आर मच लाइक द फ्रंट लाइट्स, दे आर शार्प एंड ऑल। इसका थोड़ा एंगुलर है, थोड़ा राउंड है, सो आई वुड डेफिनेटली से कि पर्सनल प्रेफरेंस है, राउंड वन इज अ टाई एज फार एज द डिज़ाइन ऑफ द वी क्रॉस वर्सेज द हाइलक्स इज कंसर्न। राउंड टू इज द इंटीरियर्स, हम ड्राइव भी करें गाड़ियों को, बट इंटीरियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस कैसी है, एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, तो चलते हैं इनटू द फ्रंट फर्स्ट रो, फिर हम करेंगे सेकेंड रो, फिर आएंगे इनटू द बूट। पहले करेंगे फर्स्ट रो ऑफ द वी क्रॉस। नाउ आई हैव टोल्ड यू पहले, वैसे ये टॉप एंड वर्जन नहीं है, इज द 4x2
ऑटोमेटिक वाला वर्जन जो टॉप एंड 4x4 ऑटोमेटिक है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें अंदर डिफरेंट आती हैं। सो मैं सिर्फ बात करूंगा अबाउट दी अर्गोनॉमिक्स एंड द स्पेस ऑफ बोथ द व्हीकल्स, दी हाइलक्स एंड दिस वन। एक चीज़ मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक करती है दैट इन दी वी क्रॉस व्हेन यू आर सिटिंग फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव सेम हाइट का पर्सन, तो जो फेसिया है, जो डैशबोर्ड है, वो थोड़ा नीचे है। सो दिस इज़ अ ह्यूज प्लस पॉइंट जब आप ऑफ दी रोड होते हैं, आप टाइट स्पेसेस के अंदर होते हैं, या आपको स्टीप अपहिल या डाउनहिल जाना है, तो वहाँ पे आपको विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटा फेसिया, लो फेसिया, लो डैशबोर्ड इज़ सुपर हेल्पफुल फॉर ड्राइवर्स ऑफ ऑल हाइट्स, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ऑन दी अदर हैंड, अंदर जो NVH लेवल्स हैं, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गुड एज दी हाइलक्स। हाइलक्स की जो नॉइज़ वाइब्रेशन केबिन के अंदर है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है, इसकी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इसके अंदर पसंद आई है, फॉर एग्जांपल स्टेयरिंग के नीचे इस एरिया के अंदर एक काफ़ी बड़ा एक स्टोरेज स्पेस है, वहाँ पे यू कैन कीप सम आइटम्स। दोनों ही गाड़ी के अंदर आपको डुअल ग्लव बॉक्स मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें एडिशनल सम स्टोरेज स्पेस ओवर हेयर। कप होल्डर्स दोनों के अंदर हैं, आर्मरेस्ट विद गुड अमाउंट ऑफ स्पेस दोनों में है, सीट्स दोनों ही कंफर्टेबल है, बट शायद मुझे हाइलक्स की सीट्स बेटर लगी हैं। अगेन टॉप एंड के अंदर आपको उसमें लेदर सीट्स मिल जाती हैं, बट फॉर नाउ द सीट्स इन द वी क्रॉस वर्सेस हाइलक्स शायद उसका बेटर है। दोनों ही गाड़ियों में आपको ये मिलते हैं ग्रैब हैंडल्स टू कम इनसाइड द कार टू मेक योर लाइफ ईजियर, वो इसके अंदर भी हैं, उसमें भी है, बट आई थिंक द विनिंग पॉइंट इन द वी क्रॉस इज़ द विजिबिलिटी एंड द विनिंग पॉइंट इन द हाइलक्स इज द इंटीरियर फील। ऑफकोर्स वो एक्सपेंसिव है इस गाड़ी से, टॉप एंड टू टॉप एंड 9 लाख का फर्क है, तो इसका टॉप एंड वर्सेज टॉप एंड ऑफ द हाइलक्स में उसके इंटीरियर आपको डेफिनेटली अच्छे लगने वाले हैं, अ फ्यू मोर एक्स्ट्रा फीचर्स एज वेल। अब मैं एक काम करूँगा, आई विल एडजस्ट द सीट फॉर माई हाइट। टॉप एंड के अंदर यू डू गेट पावर सीट्स बाय द वे, परफेक्ट। सो इसको यहाँ छोड़ेंगे, आई विल गो टू द रियर सीट्स टू टेल यू इफ देर इज एक्स्ट्रा स्पेस ओवर हेयर ऑन आउट। नाउ आई थिंक यहाँ इस गाड़ी के अंदर जब मैं हाइलक्स के अंदर बैठा था, आई अगेन गो एंड सिट ओवर देयर, इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है। इफ द फ्रंट सीट इज फॉर अ ड्राइवर ऑफ माई हाइट 6 feet टॉल एंड अ इक्वली टॉल पैसेंजर एट द बैक, सो आई थिंक सो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है। ऑन द नेगेटिव साइड, कप होल्डर्स नहीं मिलते एंड एक फिफ्थ आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता जो हाइलक्स प्रोवाइड करती है। ऑन द प्लस पॉइंट, यहाँ पे एक चार्जिंग आउटलेट है एंड द कप होल्डर्स एक्चुअली कम ओवर हेयर, एंड हाइलक्स के अंदर आपको कोई चार्जिंग आउटलेट नहीं मिलता, बट उसमें एसी वेंट्स मिलते हैं। हाइलक्स ऑल्सो गिव्स यू ग्रैब हैंडल्स ओवर हेयर टू कम इनसाइड द कार, जो आपको वी क्रॉस में नहीं मिलता, बट आई थिंक अगेन प्लस पॉइंट ओवर हेयर इज कि आगे विजिबिलिटी बेटर थी एंड रियर आपको जो स्पेस मिलता है इन दी वी क्रॉस, दैट इज आई थिंक बेटर। आई विल गो इनटू द हाइलक्स एंड आई विल चेक दैट अगेन। डोर्स लाइक द हाइलक्स उतने ही वाइड खुलते हैं, बट हाइलक्स पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं ऑन द रियर सीट, इफ द कार इज स्विच्ड ऑन, इंजन इज एट आइडलिंग स्पीड एंड एसी ऑन है, तो पीछे थोड़ा एक्स्ट्रा बूम आती है, बट इसके अंदर वो जो बूम है दैट इज़ वेल कंट्रोल्ड। डोंट गेट मी रॉन्ग विद द बूम वर्सेस नॉइज, इंजन नॉइज इसमें ज़्यादा आती है, बट पीछे सीट पे बैठे हैं तो जो एक इरिटेटिंग बूम आती है अंदर, वो चीज़ हाइलक्स के अंदर मैंने नोटिस करी है, वो यहाँ पे नहीं है। तो टू समराइज, फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स बेटर विजिबिलिटी, फॉर द रियर पैसेंजर्स स्लाइटली बेटर स्पेस। अब बात करते हैं ऑफ द बूट, बट उससे पहले लेट मी क्विकली जंप इनटू द फर्स्ट टू रोज ऑफ द हाइलक्स। नाउ ऑन द इनसाइड ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द हाइलक्स एंड इमीडिएटली यू कैन मेक आउट कि इसको जो डैशबोर्ड है, जो फेसिया है, स्लाइटली ऑन द हायर साइड है, तो मेरे ख्याल से शायद शॉर्ट ड्राइवर्स के लिए दिस कुड बी इंटीमिडेटिंग इन टाइट ट्रैफिक सिचुएशंस एंड पॉसिबली ऑफ द रोड एज वेल। बट जो प्राइस डिफरेंस आप पे करते हैं इस गाड़ी के लिए, वो इमीडिएटली आपको फील होता है इन टर्म्स ऑफ द होल लेआउट। इट फील्स नाइस, इट लुक्स नाइस, मच लाइक अ रिचर और अ व्हीकल फ्रॉम अ हायर सेगमेंट। अर्गोनॉमिक साइज भी मैं इस गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ, कप होल्डर्स के साथ साथ आगे स्पेस है फॉर योर फोन, यहाँ स्पेस है फॉर निकनैक्स, बोथ द व्हीकल्स ऑल्सो गिव यू अ बिग अंडर स्टोरेज स्पेस ओवर हियर एंड दोनों ही गाड़ियों के अंदर यहाँ पे कप होल्डर्स निकलते हैं नेक्स्ट टू दी एसी वेंट्स। दोनों ही गाड़ियों में आगे ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, बट इसकी सीट शायद मुझे स्लाइटली बेटर फील हो रही है इस टाइम पे। मैं काम करूंगा, सीट से यार आया, पुट दिस फॉर माय हाइट एंड आई विल गो टू द रियर ऑफ द हाइलक्स टू सी अगर इसकी सीट एज कम्पेयर टू वी क्रॉस टाइट है या मोर स्पेशियस है। इमीडिएटली मैंने बात की थी इन द वी क्रॉस की, हाइलक्स में एट द रियर सीट एक बूम फील होता है, आई थिंक गाड़ी का इंजन ऑन है, यू कैन फील इट, एक बूम आ रहा है, सो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। एंड यहाँ पे इवन द स्पेस एट द बैक इज डेफिनेटली लेस देन द वी क्रॉस, अगर लंबे हैं ड्राइवर, लंबे हैं को पैसेंजर एट द बैक, तो यहाँ पे स्पेस कम है।
प्लस पॉइंट में कप होल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं और एसी वेंट्स यहाँ पे आते हैं। एसी वेंट्स फीचर वी क्रॉस के अंदर नहीं है, दैट्स अ बिग इशू फॉर द इंडियन समर। तो आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिलते हैं बट कोई चार्जिंग आउटलेट नहीं है। प्रैक्टिकली मल्टीपल हुक्स दो यहाँ पे हैं द बैक ऑफ द ईच सीट एंड दो यहाँ पे हैं, प्लस अ फिफ्थ हेडरेस्ट जो मिसिंग है इन द वी क्रॉस, प्लस ऑफ कोर्स पीछे आने के लिए आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जो मिसिंग है इन दी वी क्रॉस। तो दोनों ही गाड़ियों में कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों ही गाड़ियों में कुछ नेगेटिव्स हैं, बट अगर आप स्पेस देख रहे हैं तो वी क्रॉस डेफिनेटली आपको खुश रखेगी। अगर आपका बजट एक्स्ट्रा है, इफ़ यू पे मोर ऑफ कोर्स यू गेट अ बेटर इंटीरियर, अ रिचर इंटीरियर ऑन दी इनसाइड। अब बात करेंगे अबाउट द बूट स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट, दी ओपन बूट पिकअप्स है तो वो चीज़ काफ़ी इस्तेमाल आती है ड्यूरिंग योर कैंपिंग, ऑफ रोड और लद्दाख ट्रिप्स। एंड फाइनली द यूएसपी ऑफ सच व्हीकल्स, द ओपन यूजेबल बूट ऑफ द पिकअप्स। नाउ ऑन पेपर हमारे पास इनके डायमेंशंस या इनकी लोडिंग कैपेसिटी नहीं है, बट जितना वी कैन मेक आउट वी हैव मेजर्ड इट आवरसेल्व्स राइट नाउ, आई थिंक दोनों के अंदर आपको इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस मिलती है। शायद वी क्रॉस में आपको एक स्लाइटली वाइडर बे मिलता है, बट इसकी जो लेंथ है, जो डेप्थ है, दोनों की ही अच्छी है। एक चीज़ आई फाउंड आउट राइट नाउ व्हाइल ओपनिंग द लिड्स वाज की जो हाइलेस का जो ये बूट का आप डोर कह लीजिए, इट इज़ रियली हैवी एज कम्पेयर टू दिस, एंड आई फाउंड आउट द सेम थिंग फॉर द बोनेट एज वेल। आप आगे बोनेट को खोलेंगे टू एक्सेस द इंजन, इसका हैवी है। सो कहीं ना कहीं दिस हैवीनेस, भारीपन, एक्स्ट्रा वेट डज make a difference in the way the car feels on the road, जो मैं बात करने वाला हूँ right now. Now before I hit the road with both the vehicles, a quick look at the specifications on paper. आपको क्या मिलता है? Now this one is a 1.9 liter, this one is a 2.8 liter. Of course, दोनों ही turbo charged है. Output के अंदर over 200 bhp of power. मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक pickup vehicle के अंदर कोई manufacturer आपको इतनी power देगा, 200 घोड़े काफ़ी होते हैं। This is approximately 40 bhp less, so around 25% का फ़र्क है। Again, torque के अंदर अगर आप automatic harness लेते हैं 500 Nm of torque, आपको manual मिलते हैं 420. Again, this torque is way higher than the Isuzu offering. Now this standalone is not bad. जितने मेरे friends उनके पास जो V-Cross है, they do miss the earlier bigger engine, but 1.9 is not bad. जो आपकी typical usage होती है highway पे या city runs के अंदर या off the road, most of the owners are happy with the engine. Plus it is supremely efficient. In fact, सुबह my colleague Jatin was getting the car from the showroom to the shoot location and he was witnessing over 15 kmpl on the display. Of course, flowing traffic थी, but ये काफी efficient है. This is going to be a gas guzzler, no two ways about it. It's a proven engine, powerful torquey, but sometimes it has a drinking habit as well. But on-road performance kaisi hai? Well, let's hit the road. Abhi hum Gurgaon ke andar hain, yahan se thodi traffic milegi, then the highway run and finally to our shoot location. So aise conditions mein dono gaadiyan kaisa perform karti hain, including the ride and handling? Well, let's start that session. Alright, तो पहले चलाएंगे वी क्रॉस। नाउ इमिजिएटली अगर आप हाइलेक्स चला के इस गाड़ी में आते हैं, यू डू अंडरस्टैंड, यू डू फील द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द पावर एंड टॉर्क। बट ऑन अ गुड नोट, आई एम रियली हैप्पी टू रिपोर्ट कि नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस के अंदर आपको मॉर्निंग कम्यूट करना है या हाईवे रन करना है, इन नॉर्मल फॉर मोस्ट ड्राइवर्स इट इज़ नॉट अ बिग कंसर्न। ऑफकोर्स वेन यू हैमर डाउन द राइट पेडल लाइक दिस तो टाइम लगता है वो पंच आने में, वो इमीडिएट मूवमेंट आने में टाइम लगता है। एंड जब वो आता है तो येस, दी केबिन बिकम्स नॉइजी एज कम्पेयर टू दैट इन दी हाइलेक्स। तो हाइलेक्स का केबिन थोड़ा स्मूदर है, लेस नॉइज आती है, इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट आई थिंक फ्रेंकली नॉट एवरी ओनर, नॉट एवरी वन ऑफ अस कीप्स ऑन ड्राइविंग इन अ स्पिरिटेड मैनर ऑन अ डेली बेसिस, ये फैक्ट है। तो इस मामले में आई थिंक ये इंजन इट परफॉर्म्स वेरी वेल। विजिबिलिटी स्टैटिक गाड़ी वर्सेज ऑन द मूव, आई थिंक फ़र्क पड़ता है। इसमें स्लाइटली बेटर विजिबिलिटी है फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव एज कम्पेयर टू द हाइलेक्स। बट अगर आप सिंगल ड्राइवर, सिंगल पर्सन है गाड़ी के अंदर, लोड नहीं है, तो ये गाड़ी टेंस टू हैव अ बिट मोर बाउंस एज कम्पेयर टू द फॉर्चूनर, स्पेशली फ्रॉम द रियर सस्पेंशन। ये एक इशू रहता है विद पिकअप्स बिकॉज दे आर मेंट टू
बी वेरी गुड ऑफ द रोड या विद अ फुल लोड, बट सिंगल पर्सन के साथ कोई भी छोटी मोटी अंडुलेशन होती है वो आपको एक बाउंसीनेस के साथ आपको ईजिली अंदर फील होती है। स्टेयरिंग इसका स्लाइटली लाइट एज कम्पेयर टू दी हाइलेक्स, सो अ बैग ऑफ मिक्स बीन्स। दोनों ही गाड़ियों में कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं, बट अगर आपके मन में ये कंसर्न है कि छोटा इंजन परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, सो कीप दैट आउट ऑफ योर माइंड। एंड फॉर योर पार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स नॉर्मल यूसेज के लिए इट्स नॉट अ बैड थिंग इन फ्रंट ऑफ द हाइलेक्स, प्लस द ह्यूज सेविंग्स। तो ड्राइविंग परस्पेक्टिव से मैं इस गाड़ी से खुश हूँ, ओनली दैट कि इसमें थोड़ी बाउंसीनेस है एंड the cabin becomes loud, it becomes loud, that is the issue. अगर आप वी क्रॉस से आते हैं इनटू द हाइलेक्स फॉर अ ड्राइव एक्सपीरियंस, इमीडिएटली द इंटीरियर्स दे फील प्लशर, एनवीएच लेवल्स यानी कि नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल्स आर सुपर्ब, इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है, इमीडिएट पंच आपको मिलता है, देयर इज सो मच पावर एंड टॉर्क टू प्ले विद, एंड ऑफकोर्स इको एंड पावर मोड है बाई डिफॉल्ट, गाड़ी इको मोड में शुरू होगी एंड इवन इन इको मोड इट इज़ क्विक, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। पावर मोड में ऑफकोर्स इट इज स्लाइटली मोर क्विकर, more responsive and body roll bhi as compared to the V-Cross iske andar limited hai and V-Cross kahin na kahin single load ke andar thodi jump marti hai piche se, wo cheez iske andar better hai, so yeah guys it's a huge price difference but for this extra price difference these are the plus points in the Hilux. V-Cross अपने अंदर अपने सेगमेंट में अपने प्राइसिंग के अंदर सुपर्ब है, आई बीन वेरी इंप्रेस विद दी सो कॉल्ड स्मॉल इंजन, बट अगर आप इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं फॉर दी हाइलेक्स तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। आउटराइड परफॉर्मेंस दोनों ही कैसी है, तो एक काम करते हैं, वी डू हैव अ एम्प्टी पीस ऑफ रोड, वहाँ जाते हैं, वी विल फर्स्ट डू दी V-Cross देन दी हाइलेक्स, सेम ड्राइवर, दोनों ही ऑटोमेटिक हैं और उसके अंदर डिफरेंस कितना आता है, आइए चलते हैं। So here we go, a lot of wheel spin, remember hum drive mode mein hai, not in the manual right now, okay we are at 100, thoda sa aur karenge, that's it, let's just slow down and have a look at the actual figure. So 0 to 100 is 11.54 seconds. That's pretty fast for a 1900cc. Isko karunga main screenshot and now we will go into the Hilux. Same thing, drive pe rahenge, same road pe, same driver. Let's see farak kitna aata hai. Alright, so same thing karenge with the V-Cross as well. Draggy app has been reset. AC hamara band hai. We are in the normal drive mode. तो ये 4x4 है बट इसके अंदर अभी हम 4x2 के अंदर हैं, सो ऑफ कोर्स पावर इज ओनली गोइंग टू द रियर व्हील्स, सो ऑटोमेटिक 4x2 के अंदर ही है ये इस टाइम पे। वन बाइकर कमिंग द रॉन्ग वे, दिस इज टिपिकल इन इंडिया, वील जस्ट लेट हिम पास एंड देन वी शुड बी ऑफ, टू पेडेस्ट्रियंस, सो सॉरी बट या दैट्स डेड एंड। तो रोड पूरी एक सेफ है फॉर दीज काइंड ऑफ रन्स, ओके दे आर आउट, व्हील स्पिन काफ़ी कम है, yeah the pull is better, pull is better, okay 100 ho gaya hai but we'll just go slightly more and then we'll brake and look at the timings on the phone,
11.25. Now this is a big surprise. 11.5 में किया था V Cross ने, 11.25 में करा इसने. Same kind of launch, but difference इतना नहीं है. So V Cross with 1.9 is definitely super quick. मैं काम करूँगा. I'll still do one more run to see ये issue क्यों आ रहा है. I'll go आगे. Do a U-turn and I'll try to see why is this issue coming. 200 bhp, it should go faster. Okay, so mere khayal se because main eco mode mein tha, I was not in the power mode, that is why the figures were not so nice. So abhi maine power mode on kar di hai, dobara run karenge. I'll just let that one motorcycle take a left into the middle of nowhere. In the meantime I'm going to reset this. Okay, the road is clear. I'm in the power mode. The AC is off. Let's see agar kuch farak padne wala hai. definitely quick. So eco mode mein it was beating the V Cross. Power mode mein aur kitna farak padne wala hai? 100 already. I'll still let go and I think definitely farak padega. Yes, 10.55. So I was curious, eco mode में और power mode में बहुत फर्क है. 10.55 is definitely super quick for an automatic SUV. Yeah, the V Cross 11.5, this one 10.5. And that brings us to the end of this detailed comparison. Now, no two ways about it, इनकी pricing को लेके काफी eyebrows raise हुए हैं. Isuzu ने ये segment शुरू किया था and अपने फर्स्ट मॉडल के मुकाबले ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, बट इस सेगमेंट में और कोई राइवल नहीं है. इस गाड़ी को आप घर लेके आते हैं तो ये आपको डेफिनेटली खुश रखने वाली है फ्रॉम अ एडवेंचर लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू. ये वाली टॉप एंड अगर आप ऑटोमेटिक 4x4 देखते हैं, टॉप एंड डेफिनेटली अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपीज एक्सपेंसिव है. 9 लाख एंड गेट यू अ प्रीमियम हैचबैक नाउडेज और अ एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी. सो प्राइसिंग में डिफरेंस ज़रूर है, बट इस एक्स्ट्रा प्राइसिंग के लिए आपको वे बेटर परफॉर्मेंस, बेटर NVH लेवल्स, बेटर इंटीरियर्स, अ बेटर राइड, पॉसिबली बेटर रीसेल वैल्यू. एंड इसका जो ब्रांड रिकॉल है हाइलेक्स का एज कम्पेयर टू वी क्रॉस, वो भी स्ट्रॉन्गर है. सो कहीं ना कहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप उस पर लगाते हैं एक्स्ट्रा, तो उसके बाद हर रोज़ आपको एक एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है. दैट सेड, 4x2 ऑटोमेटिक इज़ अ क्लेवर इंट्रोडक्शन बाय Isuzu. फॉर दोस्त जिनको हार्ड कोर ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, वो एक 4x2 मॉडल घर पे लेके आ सकते हैं. इसके अंदर 4x2 की ऑप्शन नहीं है. एंड ट्रस्ट मी, आई डू नो अ लॉट ऑफ Isuzu वी क्रॉस ओनर्स जिन्होंने अपने गाड़ी परचेज करी है फॉर दी होल अपील एंड नॉट फॉर एडवेंचर ऑफ रोड. सो जी हाँ, इसकी प्राइसिंग लो है, 4x2 लो है. इस कंडीशन में इवन द टॉप एंड 9 लाख रुपीज इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. सो अगर आप मार्केट में हैं फॉर दी वी क्रॉस, इसको गो हेड बाय दिस मच बेटर एक्सेसरीज ऑल्सो एज ऑफ नाउ. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं स्टांस में थोड़ी अग्रेसिव है, बट आपकी पॉकेट्स डीप है. एंड इफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर द हाइलेक्स एवर सिंस यू वर अ चाइल्ड, गेट दिस वन रॉन्ग होम. आई थिंक आइदर वेज यू विल नॉट बी गोइंग रॉन्ग विद आइदर ऑफ द व्हीकल्स. दोनों ही सुपर इम्प्रेसिव, सुपर गुड फॉर द सेगमेंट. एंड हैप्पी टू सी कि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स मिल के इंडिया के अंदर एडवेंचर सेगमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं. Guys, thank you for watching. Bye-bye.